को भी कहते लो बात ऐसी घर के जैसी। आज हम जा रहे हैं घूमने, यहाँ भाई लौंडे घूमने। भाई क्या हो गया, रुक तू गया? खबर कम लग रही है यार, पीछे वाले में पंचर हो गया। अब भैंस क्या करूँ मैं, चक्की भाई निकल गई है वहाँ सारी, पंचर लगवाना पड़ेगा, ट्यूब ऐसे लगी हुई है इसमें। ये बता, जो तू कह रहा था तेरी स्कूटी में पंचर नहीं लगता, वो क्या सीन था भाई? वही तो जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, पंचर ही कर रहा है, पंचर ही नहीं लगेगा। हो चुका है कलेश, पंचर हो चुका है, आधा घंटा गया पंचर ने ना मेरी ले रखी है कसम से। एक तो टायर भी ख़राब है और ट्यूबलेस टायर था, उसमें पाँच छः पंचर आ गए तो वो ख़राब हो गया, तो उसमें मेरे को ट्यूब लगवानी पड़ी। और ट्यूब वाले टायर में अगर पंचर लगता है तो कम से कम आधा घंटा कहीं नहीं गया, तो अब पंचर लगवाएंगे फिर आगे जाएंगे। और ये कह रहा था एक बंदा है भाई, वो कुछ काम करता है, वो ना कुछ लिक्विड सा डालता है मतलब बाइक के टायर में, और जिससे पंचर लगना बंद हो जाता है। हाँ पंचर। अरे यार गया मतलब आधा घंटा, ट्यूब वाला ना ये। हाँ गया आधा घंटा यार। भाइयों हम जा रहे हैं लक्ष्मीनगर मेट्रो पे, तो वो जो बंदा है जो जतिन का, जो पता नहीं कुछ काम करता है, मेरे को नहीं पता क्या करता है वो, क्या लिक्विड है, मैं भाई उससे कम से कम 10 मिनट बात करूंगा, तुम्हें पूरा डिटेल दूंगा कि है क्या। आ रहे हैं तेरा भैया? आ रहा है यार, 10 मिनट में आ रहे हैं। बहुत टाइम लग गया यार। आ रहे है ना भाई, ये बता चीज जेन्युइन है या ऐसे ही है? सही है, बढ़िया है, तगड़ी है। तेरे को ये बता कितना टाइम हो गया वो करवाया? 2 महीने तो हो गए लगवाया, अभी तक तो पंचर हुआ नहीं, जबकि टायर भी घिसा हुआ पीछे वाला। वैसे नॉर्मली कितने टाइम में हो जाता था? चलते फिरते स्कूटी तो डेली रूटीन की है, हफ्ते दो हफ्ते में एक बार ही हो जाता था, और अब 2 महीने से कुछ नहीं हुआ, जबकि टायर भी गंजा है पीछे वाला। चल ठीक है भाई, आज वही करवाते हैं, आज तेरी बात मान के मजे लेते हैं आज बाइक से। Minutes later. क्या नाम है भाई आपका? आशुतोष। भाई ये चीज क्या होती है जो पंचर को मतलब खत्म ही कर दे? यार ये ना एक फोम बेस्ड सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये जहाँ से भी उसको थोड़ा सा भी एयर मिलती है ना, हाँ, तो उसको सील कर देता है। टेस्ट एक जगह है वहाँ चल के करते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है वहाँ चल के। यहाँ अपने सारे इक्विपमेंट सारा कुछ लेके, चलो चलते हैं। भाई हम पहुँच चुके हैं लंदन रोड पे और यहाँ हम टेस्ट करेंगे। हाँ भाई जतिन भाई, टेस्ट किया ना तूने? तूने खुद किया था ना टेस्ट? हाँ, करा हुआ है एकदम। एक कर देगा ना एक नंबर की? करा देंगे भाई। ठीक है चलो ये टेस्ट करेगा और फिर देखते हैं। खोल के दिखा कैसे कलर का है, मेरे को देखना चीज क्या है। अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग कर। खुल गया। पहले कौन सा खोल रहा है? ट्यूबलेस वाला। अच्छा अच्छा दिखा दिखा। ये रहा देसी ठर्रा है, ये है ट्यूबलेस। हाँ अच्छा, इसके ऊपर इसको ऐसे चिपका के मतलब जहाँ से हवा भरते हैं उसमें ये डाल देंगे और फिर इसे रिलीज कर देंगे। तेरे को आता है ना करने? हाँ, कोई दिक्कत भाई मेरे को नहीं आ रहा समझ में। ट्यूब वाला है ये? ट्यूब वाला है, ट्यूब वाला दिखा। ये पिंक कलर का होता है। अच्छा ये पिंक कलर का है। हाँ, और ये ब्लू कलर का है। ये है ट्यूब वाला। हाँ भाई कंफ्यूज हो गया मैं, ये ट्यूब वाला है, पिंक वाला ट्यूब वाला, पिंक वाला ट्यूब वाला और ब्लू वाला है ट्यूबलेस। ये देख लो भाई, तो मैंने पूरा जुगाड़ कर रखा है, इसमें ट्यूब है और ये ट्यूबलेस है, तो मतलब दोनों यूज हो जाएंगे भाई, दोनों यूज हो जाएंगे और पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्यूबलेस वाला कैसा है, दोनों यूज हो जाएंगे और दोनों की टेस्टिंग होगी इस रोड पे। ठीक है भाई, इस रोड पे पूरी टेस्टिंग होगी आगे तक। ये इसका इंस्ट्रक्शन पैनल है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिखा एक बारी, जिसमें आपको पता चलेगा। ये पीछे से भी दिखा दो। अच्छा, अच्छा इसमें लिखा है कि कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता और कहाँ ये वर्क नहीं करेगा। हाँ और कहाँ वर्क करेगा। और ये पीछे लिखा है कि जिस टायर का साइज है उतने ML ये यूज होगा, उतना ML डालना पड़ेगा। हाँ R17 जो हमारे टायर का साइज है R17 ठीक है, तो आगे वाला छोटा है, आगे वाला छोटा तो उसमें लगेगा 250 ML, पीछे वाला बड़ा है तो उसमें लगेगा 300 ML। ये बता गाड़ी में लग जाएगा, जैसे गाड़ी मैं गाड़ी लेने की सोच रहा अगर था, अगर छोटे टायर की अमेज हो गई। हाँ हाँ, तो उसमें छोटे टायर होते हैं। हाँ, तो उसमें दो टायर में एक बोतल लगेगी। अच्छा, जैसे आगे वाले में एक लग गई दोनों टायरों में। हाँ, पीछे वाले दोनों टायरों में एक लग गई। इसकी इसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन, भैया लिंक डाल देंगे, वहाँ पे साइड पे भी आप पढ़ लेना, ट्रक वगैरह हर जगह यूज होता है। और अब टेस्ट भी करना है, टेस्ट भी करेंगे। चलो भाई स्टार्ट कर। तो भाई अब हम करने वाले स्टार्ट, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि ये कर चुका है। तेरी स्कूटी ट्यूबलेस है ट्यूब वाली है? मेरे आगे वाला ट्यूबलेस है और पीछे वाला ट्यूब वाला। सही है, मेरा भी वही हाल है, मतलब दोनों यूज हो जाएंगे आज। और क्या, दोनों के बारे में पता चल जाएगा कि चीज़ क्या है। अब दोनों ट्राई करेंगे और फिर आगे बात करेंगे। ये हाँ वाला भाई, ये वाला लिक्विड डालने के लिए पहले टायर की हवा निकालनी पड़ती है। हाँ। फिर उसमें हवा डालेंगे और जब टायर चलेगा वो रोटेट होगा तो टायर से चिपक जाएगा, जिससे वो टायर को प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं निकाल रहा हूँ आपके बाइक की हवा। निकाल दे भाई निकाल। ये निकाल दिया आपको ठर्रा, सारी निकाल दी। और क्या, ये निकल गया समझो टायर। अच्छा पूरी बॉल ही आ गई है देखो।
अब हम इंजेक्ट करेंगे लिक्विड इसमें। अब ये ट्यूब वाला है, रेड वाला? ये ट्यूब वाला है। अच्छा, अच्छा। अब हम इसको निकाल लेंगे ऐसे। हाँ। और इसका जो आएगा ये है ना, हाँ, पाइप सी जहाँ से हवा डालते ना, हाँ, ये वही लग जाएगा। दिखाऊंगा। कर भाई कर। ये इसमें ऐसे डाल लेंगे, ये अच्छे से टाइट हो गया। अच्छा, फिर इसको ऐसे कितना हो गया? 250 हुआ है अभी, 300 करना पूरा। 250 हो गया, 300 डाल लेंगे। चल भाई, क्योंकि पीछे वाला टायर बड़ा है ना हमारा। ये देखो भाइयों कैसे जा रहा है इसमें से होते हुए। और ये देखना कितना हुआ, स्टोर हो जाएगा। कम डाल दे तो कोई प्रॉब्लम है? कम हो जाए तो दिक्कत है, पर ज्यादा हो जाए तो, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। अच्छा, मतलब ज्यादा डाल दो, कम मत डालो। कम मत डालो, हाँ सही बात। कम डालोगे फिर जहाँ से रह जाएगा फिर पंचर हो जाएगा, और जो बचा होगा वो भी निकल जाएगा। फिर वो ज्यादा निकल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हो गया ना। हाँ भाई, ये देखो यहाँ तक पहुँच चुकी है, मतलब 500 था और अब सिर्फ 300 पूरा हो चुका। और क्या, अगर वो थोड़ा सा और डाल दे ऐसा ना कम हो जाए। डाल दिया, बस बस बस। अब चेक कर, लेवल चेक कर। हाँ भाई, अब तो ज्यादा हो गया, 50 ml फालतू कर दिया। निकाल देते हैं इसको। अभी से निकाल दो और निकाल। अभी से पैक करके डब्बे में रख, इसे पैक करके डब्बे में रख लो, क्योंकि चीज है काम की काफी। वापस लगाऊंगा, हवा भी तो भरेंगे। बोल लगा के हवा भर के फिर क्या करना है? उसके बाद हवा भर के फिर इसको चलाएंगे। मतलब कितने किलोमीटर? कम से कम 10 किलोमीटर चलाएंगे। 8 से 10 किलोमीटर? 8 से 10 किलोमीटर चलानी पड़ेगी 50 से 60 के बीच। उसके बाद फिर इसका आगे का काम होगा। हाँ, क्योंकि काम करना आगे वाले का भी कर ले फिर टाइम साथ में। आगे का भी कर लेते हैं, आगे का भी कर लेते हैं। जिसको जितना चलाएंगे, जितनी स्पीड से चलाएंगे ना, उतना वो रोटेट होकर अच्छे से फैल जाएगा टायर। सही बात है भाई, क्योंकि टायर घूमेगा उतना ही फैलेगा। हाँ, हाँ तो भाई अब डाल रहे हैं ब्लू वाला। इस पे लिखा होता है देखो, रेड फॉर ट्यूब टायर, ब्लू फॉर ट्यूबलेस टायर। इसमें डालेंगे हम 210 ml। हाँ। पर हमारी थोड़ी स्पीड में चलती रहती है, हाईवे वगैरह पे गुड़गांव जाते तो वैसे इसमें बोला कितना था इसमें, इस वाले 200 से 210 के बीच में, पर हम 220 लेके चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देंगे। हाँ, ताकि दिक्कत ना हो। नहीं होगी। सही बात पर है, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ज्यादा खाओगे उतने पेट में दर्द हो जाएगी। नहीं नहीं, इतना भी नहीं डालना, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देंगे क्योंकि हम चलाते हैं तेज। अब निकाल लो मैं हवा। निकाल दे, भर देना फिर मुंह से जल्दी से। तू भरेगा भाई, खोल दिया ढक्कन। अब कर स्टार्ट। गिन लियो भाई, ऐसा ना हो तो पूरी 500 रगड़ दे। ये देखो ना, 500 भी पड़ी है। ये देखो, लाओ इधर लाओ ना, 500 हो रही है। हाँ भाई, अब इसमें डालेंगे हम पुश। ओ भाई, ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे उससे। ब्लू कलर ज्यादा अच्छा भाई। ये कितना हो गया चेक कर, कितना हो गया? तो भाई हमने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया, मतलब कितना हो गया? रुक रुक ऐसे कर, रुक। तो भाइयों बोला था 220, हमने 240 50 के आसपास डाल दिया। 220 बोला था हमने, मतलब 250 तक डाल दिया, 250। लिक्विड दोनों टायरों में डल चुका है, बॉल भी लग चुकी है, बस इसमें हवा भरनी है और इन दोनों को चलाना कम से कम 8 से 10 किलोमीटर। तो इससे बढ़िया कोई रोड है चलाने की? और बट ध्यान देना है कि जब नया नया डले ना, तो 50 से 60 की स्पीड से ज़्यादा अप मत करना। उससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 50 से 60 के बीच में 10 किलोमीटर चलाना एटलीस्ट, उसके बाद आप इसे जो करो, उसके बाद तो चाहे आप 100 पेल तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाइयों, चलो आगे चलते हैं। चल तू भी भर, मैं भी एक आध पैर चलाऊंगा। भर तू भर पहले। अरे इसको लॉक तो कर रहे हैं। हाँ, इसे ऐसे लॉक करते हैं। और भाइयों मेरे को ही भरनी पड़ रही है, निकाले कोई भरे कोई, वही हाल है भाई। आगे में कितनी हवा भरनी पड़ती है? आगे में भी 30 हो गया। खुश तू? अरे खुशी रहता है, भरता मैं हूँ हर बारी। अब चल अभी 0 10 किलोमीटर चलानी है। ठीक है, रुक मैं कर देता हूँ। अभी से हम कर देते हैं 0। हाँ भाई 0 कर दी। अब जब तक 10 नहीं होगी ना भाई, कम से कम 8 पे आई हो, उससे पहले मत आ जाइयो। मैं लेके जा रहा हूँ गुड़गांव। हाँ तू ले जा भाई, 8 किलोमीटर बाद मिलेंगे। ठीक है, चल बाय। निकल ले निकल ले। तो भाइयों अब हम कर रहे हैं कील सेटअप, और ये देखो ये रही कील। अब इसके ऊपर चला के ले जाएंगे जब 8 किलोमीटर हो जाएंगे, उसके बाद पहले आगे का टायर फिर पीछे का टायर, उसके बाद दिखाएंगे कि पंचर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा इंतहा। Few minutes later, कितनी कर दी? पूरी नौ कर दी। और यही सही टाइम है चेक करने। चलो भाई, इट्स टाइम टू चेक असली राज। भाई ये है बाइक का टायर और ये रही कील। तो भाइयों कील दिख रही है? अब कील पे दोनों टायर ले जाएगा। चल भाई ले जा, ले जा भाई, आजा 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 आजा। गड़ रही है?
आ जा थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट। तो हाँ भाइयों ये देखो कील जा चुकी है टायर के अंदर, मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि ये दिख रहा होगा सबको, कील पूरे टायर के अंदर जा चुकी है। हाँ भाई चली गई, अब पीछे वाले में ले जा। गई चल आगे ले, अब आगे ले। हाँ भाई जैसा कि आपने देखा दोनों टायर मैंने कील पे चढ़वा दिए, तो कील पे दोनों टायर चढ़ चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि उससे पंचर हुआ या नहीं हुआ। लिक्विड डाल के 9 किलोमीटर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें ये चेक करना है कि पंचर हुआ या नहीं हुआ, फिर हम आगे बात करते हैं। यूँ क्या हाल है, मजा आ गया चला के? तेरे को लगा कि हवा कम हो रही है? वैसी था, नॉर्मल है। अब करते हैं इसकी हवा टेस्ट, तू स्टैंड पे लगा और हवा चेक कर भाई दोनों टायरों की, ठीक है? चल जल्दी से कर दे भाई डबल पे लगा के, अभी हवा चेक कर रहा है। चल भाई कर हवा चेक कर। 32 थी 32 नोजल नहीं, हाँ लॉक लगा दे, लॉक लगा दिया। चल भाई पैर मार। हवा देखो जैसे कि हम चेक कर रहे हैं, हवा है पूरी, मतलब 32 इसमें डलती है, तो मतलब ये पूरी 32 है। एग्जैक्ट कितनी डाली थी और हवा उतनी है, और इसमें कहीं मेरे को लग नहीं रहा कि हवा निकल रही है। आगे का तो पास हो गया, चलो अब पीछे वाले पे चलते हैं। चलो ये देखो हमने ये लगा दिया अपना पंप, और हवा देखो पूरी जैसे कि 32 बोली थी, आगे पीछे दोनों जगह 32 बोली थी, तो पूरी 32 है एग्जैक्ट। भी कर रहा है, बोतल से डाल, बोतल से कहाँ है छेद? येरा छेद लीक तो होनी थी, डाल बोतल से डाल। तो भाई ऐसा मेरे को तो कोई लग नहीं रहा हवा का, कुछ एयर पार्टिकल्स नॉर्मल है भाई, नॉर्मल कुछ नहीं है भाई। हो गया ना मैं पास? खाली भाई पास हो गया। पीछे वाले का कर, पीछे वाले का भाई पंचर का, पीछे वाला। तो भाइयों ये रहा छेद जो कील के अंदर घुसा था, अभी तक तो हवा लीक नहीं कर रही इसमें से। पानी डाल भाई, पानी डाल इसमें। हाँ ऐसे डाल, और डाल, एक काम कर एक और बार डाल। तो भाइयों देखो पानी कहीं से भी लीक नहीं कर रहा, नॉर्मल पड़ा है बिल्कुल भाई। नहीं है भाई, नहीं कर रहा लीक, पास हो गया भाई। ये तो सब्सक्राइबर मिल जाओगे, अपना नाम बताओ ये करके। कहाँ से? लक्ष्मी नगर भाई। गोभी खोद देंगे भाई। रमेश पारक आ जाओ भाई। भाई कैसी लगी आपको वीडियो? अब मैं इन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। ये देखो ये फोम बेस सॉल्यूशन है, ये लिक्विड नहीं है, मतलब इस फोम बेस का मतलब ये गर्मी में ये ना ही ये पिघलेगा और सर्दी में ना ही ये जमेगा। और ये आप एक बार इसे डलवा लोगे, जैसे कि आप एक्सप्रेस वे में गए, तो मतलब आप नाइट्रोजन गैस डलवाते हैं टायर को कूल करने, क्योंकि ऐसी रोड है और इतनी लंबी चल रही है तो टायर हो जाता है हीट, ये टायर को रखता है कूल। और एक बार डाल दोगे, बार बार डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं। नाइट्रोजन का ऐसा बार बार डलवाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, इसको एक बार डलवा के ख़त्म भाई। जब तक आपका टायर पूरा घिस ना जाए, बहुत लंबा कट ना लग जाए, तब तक ये अपना काम करती रहेगी। और छोटे मोटे पंचर तो भाई बड़े से बड़ा पंचर 4-5 कील लग जाए वो दबा के करेगी। एक तो आप पंचर लगवाओगे, आपका टाइम वेस्ट, आपकी मनी वेस्ट। सपोज़ करो आप जा रहे हो किसी जंगल वाली रोड से, ठीक है, जैसे मैं नाइट रोड मारता हूँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ लग गया मेरा पंचर और आसपास कुछ भी नहीं जंगल, तो भाई मैं तो फंस गया ना, ना पंचर ना कुछ, मेरे को बाइक घसीट के ले जाएंगे, कितना बड़ा रेस का कुछ भी हो सकता है भाई, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये है ना, पंचर लगेगा ही नहीं, गाड़ी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र होके जहाँ जाना जाओ, जितनी ऑफ रोडिंग करनी है करो। और दूसरी बात, ये है यूएसए का प्रोडक्ट, ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है ना चाइना का प्रोडक्ट, ये है यूएसए से इम्पोर्ट होके आया, होम बेस सोल्यूशन है, रखेगा तो बहुत बढ़िया जेन्युइन चीज़ है। और मैंने जैसे कि अपनी बाइक पे ट्राई किया, मैं कुछ चीज़ ट्राई नहीं करता अपने ऊपर, बट मैंने अपनी बाइक पे ट्राई करके दिखाया तो बहुत बढ़िया। अगर किसी को भी ये मंगाना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाना क्लिक करना और वेबसाइट मिलेगी, वहाँ बहुत सही रेट पर मिल रहा है, काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पर, एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत जेन्युइन चीज़ है और इसके लिए थम्स अप। तो भाई इसकी एक सबसे बड़ी शर्त है, आपको अपनी बाइक गाड़ी ट्रक किसी में भी डालो, साइकिल वाइकिल देखो सब कुछ बना है, ट्रक बस जिसमें डालना है डालो, बट एक ध्यान देना अलाइनमेंट ज़रूर करवा लेना, क्योंकि अगर आप बिना अलाइनमेंट करे डालोगे तो जैसे कि आप 70-80-100 पे जा रहे हो, तो बाइक जो जिसमें भी डाला है, सपोज़ करो जैसे मैंने बाइक में डाल दिया, मैंने अलाइनमेंट नहीं कराई, तो मेरी बाइक 70-80-100 पे मारने लग जाएगी बबलिंग। अलाइनमेंट करा के अगर आप इसे कराओगे तो ये बहुत ज़्यादा चलेगा और बहुत वर्क करेगा, और बबलिंग होगी नहीं, टायर बिल्कुल आपका फ्लैट रहेगा, वरना बबलिंग होगी फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले करवा लेना अलाइनमेंट, उसके बाद इसे डालना, और ट्रक बस जिसमें डालना डालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।